हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, बात करते हैं पेप्टिक अल्सर की। ठीक है, जीआई सिस्टम की सेकंड डिसऑर्डर जो होती है, मोस्ट कॉमनली जो पूछी जाती है थ्योरेटिकल एग्जाम में भी, और साथ साथ जो है जो भी वाइवा होता है उसमें, या फिर जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें भी डिस्कस की जाती है। तो हम डिस्कस करते हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। ठीक है, कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से कॉज हो सकता है, क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है पेप्टिक अल्सर होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पेप्टिक अल्सर की। ठीक है, उससे पहले जो है हम समझते हैं अल्सर के बारे में। ठीक है, व्हाट इज अल्सर, अल्सर क्या होता है, इरोजन, या फिर मतलब जो है हमारी जो है ये स्टमक है। ठीक है, क्या है ये स्टमक है। ठीक है, अगर इसमें ये क्या हमारी है, ये हमारा ये म्यूकस मेम्ब्रेन, क्या है म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर किसी भी वजह से जो होता है, अगर इसमें इरोजन हो जाए, अगर इसकी कंटिन्यूटी में डिस्टरबेंस हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से कंटिन्यूटी में डिस्टरबेंस हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अल्सर बोलेंगे। इरोजन हो जाए, कंटिन्यूटी में डिस्टरबेंस होगा, इरोजन होगा, इरोजन होगी उसकी वजह से क्या होगा, उसको अल्सर कहते हैं। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर को हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज पेप्टिक अल्सर। ठीक है, बात करते हैं उसके डेफिनेशन की। ठीक है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, एक टर्म, पेप्टिक अल्सर टर्म यूज करते हैं किसके लिए, अगर जो है हमारे जो है स्टमक में, इसोफेगस में, या जो ड्यूडेनम में जो है अल्सर हो जाए, या फिर इरोजन हो जाए। अल्सरेशन मतलब क्या होता है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ ब्रेक हो जाए, हमारे कुछ कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाए, ठीक है, उसको अल्सरेशन बोलते हैं। इरोजन क्या होता है, घाव बन जाए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये कहां कहां होता है, पेप्टिक अल्सर मतलब क्या होता है कि जो अल्सरेशन हो जाए, इरोजन हो जाए हमारे कहां पे, स्टमक में, इसोफेगस में, ड्यूडेनम में, किसकी वजह से, ड्यू टू पाइलोरिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन, पाइलोरिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ये मोस्ट कॉमनली कॉज होता है। या फिर क्या होता है कि इसके नंबर ऑफ कॉजेस होते हैं, जैसे कि क्या होता है कि एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब क्या होता है एसिड का लेवल जो होता है हमारी बॉडी में बढ़ जाए, तो उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक है, सेकंड इसमें बात करते हैं, अल्सरेशन एंड इरोजन ऑफ एनी पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम इंक्लूड स्टमक, ड्यूडेनम, इसोफेगस ड्यू टू कॉन्टेक्ट विथ गैस्ट्रिक जूस, इट मीन्स एसएल एंड पेप्सिन। मतलब क्या होता है कि अगर हमारे जीआई सिस्टम में, ठीक है, मतलब जो है इसोफेगस से लेके, स्टमक से लेके जो है ड्यूडेनम, जीडनम में, ठीक है, क्या होता है कि किसी प्रकार का अल्सरेशन हो जाए या इरोजन हो जाए, ठीक है, हमारे स्टमक में ड्यूडेनम में और इसोफेगस में, जीजनम में, किसी भी प्रकार से जो है अल्सरेशन हो जाए या इरोजन हो जाता है, ठीक है, या तो वो क्यों होता है, क्यों होगा, क्योंकि जो है उस समय जो होता है हमारे बॉडी में जो होता है, स्टमक में जो है गैस्ट्रिक एसिड, मतलब एसिड और पेप्सिन का लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर कॉज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, मतलब जो होता है अल्सरेशन होगा, इरोजन होगा हमारे जीआई सिस्टम में, ड्यूडेनम में, स्टमक में, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू जो है कॉन्टेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस की वजह से, तो एसिड और पेप्सिन, उसको क्या बोलते हैं, हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक होता है और ड्यूडेनम अल्सर होता है। मोस्ट कॉमन जो अल्सर कहां कॉज करता है हमारा, क्या होता है, गैस्ट्रिक में, मतलब स्टमक कॉज करता है और ड्यूडेनम में होता है, बाकी इसोफेगस में और जीजनम में काफी कम देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो है मोस्ट कॉमनली किसमें लिखा जाता है, 40 to 60 years, मतलब जो होता है ओल्ड एज जो है, बोल देते हैं कि एल्डरली एडल्ट में जो होता है 40-60 years में क्या होता है, टिश्यू डिजनरेट होने लगती है, तो पेप्सिन का जो होता है जो एसिड सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस जो होता है सिक्रीट करता है, उसमें क्या होता है किसी प्रकार डिस्टर्बेंस हो जाएगा, क्योंकि हमारे वहां पर जो है या तो एसिड का लेवल ज्यादा सिक्रीट होगा तो लेवल कम सिक्रीट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है। बात करते हैं साइड्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, कौन कौन से साइड्स पे जो है पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, जो है मोस्ट कॉमनली कॉज क्या होता है, स्टमक होता है, कहां पे होता है, स्टमक में हो सकता है। सेकंड क्या होता है, ड्यूडेनम में हो सकता है, कहां पे, यहां पे ड्यूडेनम में हो सकता है। थर्ड वन कहां होता है, जीजनम होता है, हमारे स्टाइल के बाद ड्यूडेनम का जीजनम आता है, इलियम आता है, उसमें भी हो सकता है, या फिर जो है इसोफेगस में भी क्या हो सकता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर मतलब क्या होता है, अल्सरेशन और इरोजन होता है ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ एससीएल इन स्टमक। ठीक है, इसको कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। अब बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की, इसका कारण क्या होता है, इटियोलॉजी क्या होता है, किसकी वजह से जो होता है कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्या होता है, एस पायलोरी बैक्टीरिया,
मतलब मोस्ट कॉमनली जो होता है पेप्टिक अल्सर किसके वजह से होता है, एच पायलोरी हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है, 90 से 95% जो है कॉज करता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी जो होता है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है क्या करता है, इसको डिस्टर्ब करता है, इसको क्या इरोज कर दिया, इसको खराब कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एससीएल होता है, जो पेप्सिन होता है, वो क्या करता है अंदर जो बैरियर को तोड़ देता है, तो जाके वो म्यूकस मेम्ब्रेन को कॉन्टेक्ट होता है और वहां पे अल्सर इरोजन कॉज करता है। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है और इमोशनली जो है डिस्टर्ब होता है, तो उसके वजह से क्या वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, हमारे जो है न्यूरल सिस्टम डिस्टर्बेंस होता है। तो क्या होता है स्ट्रेस में भी क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में जो है सेल सेपरेट लगता है, उसकी वजह से भी है देखा गया है सब क्या रिस्क फैक्टर, इसकी वजह से भी जो हमें पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। या फिर ट्रामा हो जाए, ट्रामा जैसे मान लो हेड ट्रामा हो जाए, ठीक है, अगर हेड में अगर जो है सर में चोट लग गई तो क्या होगा, हमारा ब्रेन डैमेज होगा, ब्रेन डैमेज होगा वहां से निकलती है हमारी क्रेनियल नर्व में से वेगस नर्व, ठीक है, वेगस नर्व निकलती है 10th क्रेनियल नर्व, सबसे बड़ी नर्व होती है, उसमें डैमेज होता है, क्या करती है कंट्रोल करती है हमारी स्टमक एरिया को, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे वो क्या करेगी, यहाँ पे जो भी सीक्रेट हो रहा है गैस्ट्रिक उसको सीक्रेट नहीं कर पाएगी, उसको यहाँ बढ़ा देगी तो क्या होगा उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है। थर्ड क्या होगा सर्जरी कर रहे हैं किसी को आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर जो है बाई चांस जो होता है सर्जरी के दौरान जो होता है हमारी कोई भी नर्व डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से जो होता है क्या होता है ज्यादा अमाउंट में जो है एसएल का सिक्रेशन हो सकता है हमारे बॉडी में, इंजरी होगी या फिर डेथ ऑफ म्यूकस प्रोटेक्टिंग सेल, मतलब इंजरी होगी स्ट्रामा हो गया इंजरी होगी उसकी वजह से, या फिर क्या होता है जो भी हमारे यहाँ म्यूकस प्रेजेंट है जो प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये क्या होता है कि ये हमारा स्टमक है, ठीक है, स्टमक है यहाँ पे क्या है बैरियर है जो क्या करता है म्यूकस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या होगा किसी वजह से जो है ये बैरियर में क्या हुआ इंजरी हो जाए, ठीक है, या फिर डेथ हो जाए सेल यहाँ की, तो उसकी वजह से क्या होता है हमें जो है पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। या फिर क्रॉनिक हम यूज करें ज्यादा अमाउंट में जो होती है एनसेड ड्रग का यूज करते हैं या स्टेरॉइड यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, एनसेड मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, और स्टेरॉइड में यूज करते हैं ज्यादा अमाउंट में, तो उसकी वजह से क्या होगा डिस्टर्ब करता है हमारे जीआई सिस्टम को, और ज्यादा अमाउंट में जो एसिड सीक्रेट करता है, ज्यादा अमाउंट में एसिड सीक्रेट करेगा तो चांसेस है कि बैरियर को डैमेज कर दे और क्या करता है और बैरियर को डैमेज करे और म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है लूज कर दे और पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है। एल्कोहल यूज कर रहे हैं, एल्कोहल क्या करता है कि यहाँ की एनवायरमेंट को जो ज्यादा अमाउंट एल्कोहल को क्या करता है डैमेज करता है, इसकी वजह से जो है पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है। या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं उसकी वजह से भी क्या होता है पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है। या फिर ऐसे फूड ले रहे हैं, स्पाइसी फूड ले रहे हैं जो कि ज्यादा तेल हुआ है ऑयली है ज्यादा मसाले वाले हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। या फिर हाइपर कैल्शियम है, कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है, तो ये भी देखा गया रिस्क फैक्टर में कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो भी इसकी वजह से हो सकती है। या फिर जो होता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो होता है डिस्टर्ब हो जाए, कैसे हमारे जो वेगस नर्व है उसमें क्या हो डैमेज हो जाए या फिर वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उसकी वजह से क्या सिक्रेट करेगी ज्यादा अमाउंट में हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगी, तो ऐसे सिक्रेट होगा उसकी वजह से क्या होगा कि एसिडिटी बढ़ेगी और डैमेज हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा पेप्टिक अल्सर कॉज कर जाएगा। और कहते हैं इनक्रीज पैटल सेल सिक्रेशन, मतलब जो पैटल सेल जो होती है जो सिक्रेट करती है एससीएल को, क्या कहते हैं अगर उसमें जो होता है ज्यादा अमाउंट में सिक्रेशन होने लगेगा तो क्या होगा कि हमें पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बन सकते हैं। या फिर फैमिली हिस्ट्री में यह है कि अगर जो है माता पिता को जो है किसी फैमिली में किसी को हुआ है तो हो सकता है चांसेस होता है कि हमें भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है। या फिर जो ऐसा पेशेंट है जिसको बर्न हो गया हैवी बर्न हो गया हो तो उसके क्या होता है बर्न की वजह से क्या होगा जो है बर्न की वजह से भी देखा गया है पेशेंट को जो होता है पेप्टिक अल्सर कॉज होते हैं, ठीक है। या फिर जो है क्रॉन्स डिजीज होती है जो कि हमारी इंटेटाइन की होती है और उसमें भी जो होता है उसकी वजह से बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी पेप्टिक अल्सर पैथोफिजियोलॉजी कैसे कॉज करता है, मतलब पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है कि हाउ डिजीज टू बी प्रोग्रेस एंड हाउ इट इज कॉज, मतलब कि डिजीज होती है कैसे कॉज होती है, ठीक है, और कैसे प्रोग्रेस करती है उसको हम पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसको करेंगे कि इसके जो है साइन एंड सिम्टम जो है हमें क्या दिखते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होता है उसी को बोलते हैं हमें क्या दिखते हैं पेशेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल कंडीशन, मतलब किसी कारणवश कैसे क्या हो, जैसे मान लो कि 90 से 95% किसकी वजह से हो रहा है एच पायलोरी हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से। तो क्या हुआ कि एच पायलोरी बैक्टीरिया जो होता है हम कंटेमिनेटेड फूड लिए वाटर लिए तो उसके थ्रू क्या हुआ ये हमारे बॉडी में इनहेल हो गया और कहां पहुंच गया हमारे स्टमक तक पहुंच गया। तो ये करेगा जो हमारे बैरियर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का उसके करता है
डैमेज कर देगा, क्या करेगा डैमेज कर देगा, उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है ये डैमेज कर देगा तो क्या होता है कि हमारे बॉडी हमारी स्टमक में जो है फूड डाइजेशन के लिए जो है हमें क्या एसिड की जरूरत पड़ती है, टैक्सिन की जरूरत पड़ती है, ठीक है तो प्रेजेंट रहती है वो डाइजेस्ट करती रहती है। अगर मान लो डैमेज हमको मिल गया वहां पे तो क्या करेगा जो है वो एससीएल जो होता है, ठीक है क्या करेगा वहां पर जो होता है हमारे स्टमक जो होता है, स्टमक जो है मान लो यहाँ पर ये डैमेज हो गया, डैमेज हो गया तो जो है क्या करेगा फिर ये जो होता है एससीएल जो होता है ये यहाँ रीच कर जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है ठीक है क्या करेगा वहां वो पहुंच जाएगा, ठीक है उसकी वजह से क्या करेगा वहां पे वो इरोजन कॉज करेगा या फिर जो है अल्सर कॉज करेगा, उसी को बोलते हैं क्या हम पेप्टिक अल्सर, ठीक है उसी का है ये पेप्टिक अल्सर इसको बोलते हैं। सेकंड हम बात करते हैं चीज और डिस्कस कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी में, ठीक है सेकंड जैसे क्या हो गया स्ट्रेस हुआ, ठीक है या एंसिड हुआ अल्सर हो गया, ठीक है इसकी वजह से क्या होता है, इन सबकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से क्या होता है कि जिसे हमने एंसिड लिया और क्या किया एल्कोहल हैवी अमाउंट में ये क्या करेंगे जो हमारे स्टमक होता है उसको करते हैं इरिटेट करते हैं, ठीक है इरिटेट करते हैं तो क्या करेगा इरिटेशन की वजह से क्या होगा जो हमारा स्टमक जब इरिटेट हो जाएगा परेशान हो जाएगा तो क्या करता है कि वो हैवी अमाउंट में जो होता है एसिड का सिक्रेशन करने लगता है, ठीक है मतलब एसिड अमाउंट में ज्यादा सिक्रेशन करने लगता है। स्ट्रेस की वजह से क्या होता हैवी अमाउंट में जो है एसिड का सिक्रेशन हमारे स्टमक में होने लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है वहां पर जो भी सेल है म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इंफ्लामेशन होता है, उसमें इरोजन होता है और क्या होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का जो भी बैरियर होता है उसको डैमेज कर देता है, ठीक है तो उसकी वजह से क्या होता है ये अल्सर होता है या फिर उसी को पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, फिर हमें पेन महसूस होता है, ठीक है एपिगैस्ट्रिक में रीजन में पेन महसूस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की, ठीक है साइन एंड सिम्टम हमें दिखने को मिलता है पायरोसिस या हार्ट बर्न, ठीक है पेशेंट को जो होता है उसके चेस्ट रीजन पे जो होता है उसको जो है जलन सा महसूस होता है, ठीक है उसको जो है हल्का सा बर्न जलन जैसा महसूस होता है, ठीक है वो हमें कंप्लेन करता है, ठीक है साथ साथ उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्टमक पल्सर तो वहां पेन होता है, ठीक है और थर्ड क्या है उसको नोजिया कंडीशन हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, उसको डायरिया हो सकता है, ठीक है उसको नोजिया भी हो सकता है, फीलिंग अप जो होता है वोमिटिंग उसको फील होगा, वोमिटिंग का जैसे लगेगा वोमिटिंग हो भी सकता है, ठीक है डायरिया कंडीशन भी होती है, उसको लूजमोशन लग सकता है, उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, उसको हिमेटेमेसिस क्या होता है कि जब पेशेंट जो होता है जब नोजिया होता है तो उसमें क्या कहते हैं कि सॉरी जब वोमिटिंग होती है तो उसमें देखते हैं कि पेशेंट जो होता है जो भी कंटेंट जो एक्सपेल करता है स्टमक से उसमें जो होता है क्या ब्लड दिखाई देता है, ठीक है या पेशेंट को जो है डिस्पेप्सिया कंडीशन भी देखने को मिलती है, ठीक है या फिर पेशेंट को जो बर्पिंग जो है बर्पिंग आता है, ठीक है या फिर पेशेंट को जो होता है मेलना की भी मेलना कंडीशन क्या होगी कि जो भी स्टूल है उसमें क्या जो भी ब्लैक स्टूल हमें दिखेगा, वैसे हमारा स्टूल कैसा होता है साइड येलो होता है तो उसमें क्या होता है जब हमें जो है पेप्टिक अल्सर होता है ड्यूडनल अल्सर होता है तो क्या होता है जब ज्यादा अमाउंट में जो होता है ब्लड वहां से जो ब्लीडिंग होने लगती है तो वहां पर जो है ब्लैक कलर का डिस्कलर हमें दिखाई देने का मिलता है, ठीक है साथ साथ जो है किसी किसी पेशेंट में जो है हाइपोटेंशन भी मिलता है, ठीक है ठीक है या फिर जो है पेशेंट को क्या होता है भूख ही लगती है वो अपना एपेटाइट जो है लास्ट एपेटाइट वो भूल जाता है, ठीक है मतलब उसको खाना उसको भूख ही नहीं भूल गया उसको भूख ही नहीं लगती है उसको जो है और क्या उसको पेशेंट कल देखा गया है कि हाइपोटेंशन के साथ जो होता है टैकिकार्डिया भी ये साइन देखने को मिलता है, ठीक है पेशेंट को क्या होगा इनडाइजेशन जो होता है जो भी खाना खाएगा उसमें पचता नहीं है, ठीक है उसको जो है ब्लॉटिंग की कंडीशन देखने को मिलती है डकार की कंडीशन देखने को मिलती है या फिर क्या होता है उसको जो होता है फ्रिक्वेंटली जो होती है उसको जो है रिक्वायरमेंट होती है किसकी फीडिंग की उसको जो है ज्यादा भूख लगेगी या तो हो सकता है उसको भूख नहीं लगे या फिर ज्यादा जितना में जो भूख लगेगी वो जो है हमेशा खाने की जो डिमांड करता है उसको क्या हुआ वेट लॉस भी होता है, ठीक है या फिर उसको पेशेंट को जो होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस की कंडीशन भी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसमें डिफरेंस की हम पेशेंट जब भी आता है ठीक है पेशेंट कंप्लेन करता है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसमें जो है हमारा जो गैस्ट्रिक अल्सर है या फिर जो है ड्यूडनल अल्सर है, ठीक है तो गैस्ट्रिक और ड्यूडनल अल्सर में क्या होता है कि गैस्ट्रिक अल्सर में जो होता है और ड्यूडनल अल्सर में क्या होता है जब पेशेंट जो है हमें कंप्लेन करता है कि जब मैं खाना खाता हूँ खाना खाते ही मुझे पेन होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको क्या होता है गैस्ट्रिक अल्सर। इमीडिएटली जो है हमें पेन होता है खाना खाने के बाद जो होता है जैसे खाना खाया उसको तो गैस्ट्रिक अल्सर बोल देंगे, आफ्टर 1 to 3 आवर्स के बाद पेन होता है तो उसको बोलते हैं ड्यूडनल अल्सर, क्योंकि जो होता है जो गैस जो होता है वो स्टमक से जो होता है कंटेंट ढूंढने में जाता है तो वहां हमें पेन महसूस होने लगता है, ठीक है। तो बात करते हैं कौन कौन से जो है ऐसे प्रोसीजर होते हैं कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं कि हम डायग्नोज कर सकते हैं
पता लगा सकते हैं कि क्या है, जो पेशेंट जो आया उसको क्या है, अल्सर हो गया है, ठीक है, अल्सर हो रखा है, गैस्ट्रिक अल्सर है या डुनर अल्सर है, तो कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर यूज करते हैं। साथ ही साथ जो है पेशेंट को हम क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसके डाइट में, या फिर कौन कौन सा उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके थ्रू जो है उसका जो है पेप्टिक अल्सर क्योर हो जाए, ठीक है, ताकि जो है पेप्टिक अल्सर से वो फ्री हो जाए, ठीक है। बात करते हैं इसके हम डायग्नोसिस इवेल्युएशन की, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, हम उसका हिस्ट्री क्लेशन करते हैं, मतलब कि पता लगाते हैं कि इससे पहले पेशेंट में जो है उसके फैमिली मेंबर में किसी को हो रखा था क्या पेप्टिक अल्सर, तो पहले क्या करेंगे कि हम हिस्ट्री क्लेशन करेंगे, उसका टोटली जो है हिस्ट्री हम कलेक्ट करते हैं। सेकंड क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसको स्टमक को जो है पालपेट करते हैं, टच करते देखते हैं फुलनेस तो नहीं है, ठीक है, और टच करके पता लगाते हैं कि पेन किस एरिया में हो रहा है, गैस्ट्रिक रीजन में हो रहा है या फिर हाइपोगैस्ट्रिक में है, ठीक है, या लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है, तो इसके लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। टेक्निकल जो है सीबीसी कराते हैं, सीबीसी क्यों कराते हैं, सीबीसी क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट इससे कराते हैं, क्योंकि क्या होता है जब पेशेंट को जो हिमोलॉजिक कंडीशन होती है, क्रॉनिक कंडीशन में जो होता है पेप्टिक अल्सर पड़ जाता है, तो ब्लड ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या करेंगे हम सीबीसी कराएंगे और देखेंगे कितना टोटल अमाउंट में जो है ब्लड प्रेजेंट है, तो उसके अनुसार जो है उसको जरूरत पड़ेगी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो भी करा सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्या है, इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी क्या होते हैं, इंडोस्कोपी में क्या होता है, प्रोसीजर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उस कैमरा लगा होता है, वो जो होता है माउथ थ्रू एंटर करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ओएसोफेगस में जो है या फिर जो स्टमक में जो है विजुलाइज करते हैं, देखते हैं कहां जो है अल्सर प्रेजेंट होता है, कहां पे अल्सर प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट कराएंगे, इसे देखेंगे, एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, चेक करते हैं कि उसपे जो है कोई बॉडी में इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और उसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट होने से एस्पर्जर बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो इजिली डायग्नोस हो जाएगा, या फिर जो है क्या होता है सीवियर कंडीशन में हमको बायोप्सी करनी पड़ती है, ठीक है, वहां का जो है टिश्यू हमको रिमूव करके जो है कल्चर करना पड़ता है, ये चीजें भी हमको बायोप्सी करनी भी पड़ सकती है, हम बायोप्सी करके भी पता लगा सकते हैं। और क्या होता है अपर जीआई एक्सरे, जी अपर का होता है कि जो भी अपर जीआई गैस्ट्रोएंटेरोएंटेराइटिस होता है, ठीक है, उसका एक्सरे करा के भी देख सकते हैं कि उसको अगर जो है कहीं डैमेज नहीं है, कहीं उसको अल्सर कॉज तो नहीं हो रहा है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं इसका हम एग्जामिन या पता लगा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे का बेरियम सोलो टेस्ट, इसमें क्या होता है बेरियम सोलो टेस्ट करा सकते हैं, इसमें जो है पेशेंट को बोलते हैं बेरियम जो है उसको देते हैं, हेल करता है, वो ड्रिंक की फॉर्म में लेता है, इसके बाद जो होता है उसका एक्सरे लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कहां का आपके जो है उसको इरोजन प्रेजेंट है और कहां का उसको अल्सर प्रेजेंट है, इसके थ्रू जो है हम पेप्टिक अल्सर का डायग्नोसिस कर सकते हैं। साथ जो क्या है उसको है स्टूल का एंटीजन टेस्ट भी कर सकते हैं, स्टूल टेस्ट करा सकते हैं और उसमें फाइंड कर सकते हैं कि जो हेलिकोबैक्टर अगर हेलिकोबैक्टर प्रेजेंट रहेगा तो उसका एंटीजन हमें जो है जब उसका कल्चर करेंगे तो उसमें हमको दिखाई देने को मिलता है। बात करते हैं इसका ब्रीथ टेस्ट करते हैं, इसके लिए भी करते हैं, एक टेस्ट करते हैं कि एच पायलोरी बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, लेप्रोस्कोपी करा सकते हैं और क्या करते हैं हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है जो टिश्यू का एग्जामिनेशन कराकर बायोप्सी करके हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा के भी पता लगा सकते हैं कि पेशेंट में जो है क्या पेप्टिक अल्सर प्रेजेंट है कि नहीं है। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, कौन कौन सा मैनेजमेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट इसमें क्या है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब कि पेप्टिक अल्सर क्या हुआ बताया कि अनहाइजीनिक कंडीशन हो गया, साथ ही साथ जो होता है हम ऐसे फूड खा रहे हैं जो स्पाइसी हो, ऑयली हो, ठीक है, उसकी वजह से होता है, तो क्या उसको हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको थोड़ा कम ऑयल यूज कर सकते हैं, थोड़ा मिर्च मसाला कम यूज कर सकते हैं, इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर ना हो। सेकंड चीज है कि हमें अगर एल्कोहल की वजह से होता है तो हमको एल्कोहल कम्प्लीटली स्टॉप करना चाहिए ताकि हमको जो है पेप्टिक अल्सर ना हो। और इसमें क्या स्मोकिंग की वजह से हो रहा है तो हमको स्मोकिंग कंडीशन को भी स्टॉप करना चाहिए ताकि हमको जो है पेप्टिक अल्सर ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये भी दिखना है कि जो है ड्रग की वजह से हो रहा है, जैसे एनएसआईडी ड्रग ले रहे हैं, स्टेरॉइड ड्रग ले रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है तो हमको इसको भी कम्प्लीटली स्टॉप कर देना है, और लेना भी है तो अननेसेसरी हम जो है बिना मतलब का नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, पहला एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में जो है पेशेंट को जो है मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक होता है या फिर टेट्रासाइक्लिन होता है उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर जो है उसको एच पायलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है तो। सेकंड क्या एंटासिड, एंटासिड देते हैं पेशेंट को जो होता है अगर उसको एसिड अगर उसकी
स्टमक में जो है ज्यादा अमाउंट में एसिडिटी प्रेजेंट है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं एंटासिड देते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या इसका, मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट। ठीक है, या फिर जैसे H2 स्टर ब्लॉकर। ठीक है, ये क्या करता है और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये दोनों क्या करते हैं कि जो भी होता है जो एसिड का सिक्रेशन होता है उसको क्या करते हैं जो होता है हमारे जो है पेप्सिन होती है जो सेल होती है वहां से क्या करता है वो एसिड के सिक्रेशन को रोक देता है। ठीक है, तो H2 स्टर ब्लॉकर का एग्जाम्पल क्या है रेंटिडिन होता है और सिमेटिडिन होता है। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एग्जाम्पल क्या होता है ओमेप्राजोल होता है और लैंसोप्राजोल होता है। ठीक है, वही है हमको अननेसेसरी जो है एंटीबायोटिक जो होता है या फिर जो स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या पैलरोप्लास्टी मतलब जो होता है कि इसमें करते हैं कि जो भी हमारे स्टमक होता है। ठीक है, ये स्टमक होता है। ठीक है, स्टमक होता है करते हैं यहाँ पे जो स्टमक की जो है यहाँ पे विथ जो है चौड़ाई कम है तो इसको बढ़ा देते हैं। क्या करेंगे विथ बढ़ा देंगे ताकि इजिली जो होता है यहाँ फूड जो होता है क्या ड्यूडनम पास आउट हो सके, इसको क्या बोलते हैं पैलरोप्लास्टी। ठीक है, वेगोटॉमी क्या होता है हमारी जो वेगस नर्व होती है जो सप्लाई करती है हमारे स्टमक को जो होता है नर्व सप्लाई करती है उसको करते हैं वहां जो भी नर्व है उसको हम काट के वहां से निकाल देते हैं। ठीक है, उसको वेगोटॉमी बोलते हैं। या गैस्ट्रोटॉमी होता है, गैस्ट्रोटॉमी में क्या करते हैं एक तरह का ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, एक तरह का प्रोसीजर होता है सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इसमें जो होता है हम स्टमक जो होता है उस वहां से हम इंसिजन लगाते हैं। इंसिजन लगाने के बाद जो होता है अगर जो है स्टमक में जो है अगर यहाँ पे प्रेजेंट है अगर स्टमक में यहाँ से प्रेजेंट है क्या करते हैं ब्लड फर्स्ट में जो है इसको यहाँ से कट लगा देते हैं। कट लगाने की इस पार्ट को जो है बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं और जो भी यहाँ का बचा हुआ पार्ट है इसको दोनों को आपस में जोड़ देते हैं इसको क्या बोलते हैं ब्लड फर्स्ट। ब्लड सेकेंड में क्या होता है कि यहाँ का स्टमक अगर अल्सर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्या करते हैं अल्सर यहाँ पर प्रेजेंट है इसको कहते हैं यहाँ से काट के पूरा निकाल दिया। काट के निकालने के बाद जो होता है इसको काट के निकालने के बाद इसको जो होता है फिर हम यहाँ क्या करेंगे इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे रिसेक्ट कर देंगे और इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और हमारे जो ये स्टमक वाला पार्ट होता है यहाँ पर जो होता है यहाँ पर जिजनम का पार्ट लेके एड कर दे इसको बोलते हैं बिल्लो सेकेंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करेगा शेयर करेगा सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।